इन योजना 4 साल की नहीं बनाई अपनी, वो 5 साल की रख ली, लेकिन इन जवानों को, नौजवानों को बरगलाने के लिए ये 4 साल की, इसमें लोगों के प्रति इतनी नाराजगी है, ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे को भी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। जमीन पे इसका प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा प्रभाव है इसका, क्योंकि देखो हमारा जो क्षेत्र है ना वो कृषि क्षेत्र है, और कृषि जो करते हैं उनके बच्चों को ज्यादातर फौज में नौकरी मिलती है, फौज में जाते हैं, तो वो नौकरी भी हमारे साथ तो इतना धोखा हुआ है, किसान के साथ इतना धोखा है, और उनके बच्चों के साथ भी ये चल रहा है, जो कि हम भुगत भोगी हैं। बोले भाई ताली बजाओ और थाली बजाओ, उससे कोई बीमारी जाती है? कोई काम नहीं किया बीजेपी से, हमारा हल्का बालडा क्षेत्र है ना बिल्कुल ही नाराज है, और कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि इसका भी कारण है। क्या कारण? और विकल्प नहीं है, और कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, और बीजेपी को धूल चटाने के लिए कांग्रेस को वोट देगा। तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं यहाँ वोट मांगने का, हमारे पास किस मुंह से वोट मांगने आएंगे वो? हमारे किसान के पक्ष में कोई एमएलए या बीजेपी का या जेजेपी का कोई बोला? हम किस मुंह से वोट देंगे उनको? बीजेपी ने तो ये समझो लोगों के हाथों में कागज पकड़ा दिए, यो आधार कार्ड 4 इंच का लियाओ, 2 इंच का बना लो, ये फिर छोटा हो गया तो बोले और बड़ा बना लो, यानी कि कागज पकड़ा दिए, किसी व्यक्ति को ये पता नहीं अब भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। इनने तो लोगों को भ्रमित कर दिया, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और गोत के नाम पर। और तो क्या, जब कोरोना काल आया था ना उस टाइम ये कहा था थाली बजाओ ताली बजाओ, सरकारों का ये काम होता है क्या? हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, यहाँ के दोनों पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट भी ऐलान कर दिए हैं। इस बीच हम लोग आए हैं हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, बाढ़ना विधानसभा क्षेत्र में, बाढ़ा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ क्या है, जनता किसे चुनना चाहती है, जनता किसानों के मूड में क्या है, क्योंकि किसान यहाँ सरकार के खिलाफ काफ़ी भागी रहे हैं, झंडा बुलंद किए हुए हैं, अभी उनके मन में क्या है, क्या सरकार इनकी चीज़ों को एड्रेस कर रही है नहीं कर रही है, तो ये जानने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या नाम होगा? मेरा हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह जी, हाँ जी। तो क्या है माहौल चुनाव का आपका? यहाँ पर तो कांग्रेस का माहौल बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का, कांग्रेस है। 13 महीना हमने वहाँ टिकरी बॉर्डर, सिंबू बॉर्डर, साझा बॉर्डर पर लोगों की ध्वजवा टिकरी, हमारे देखो ये शहीद बैठे, हाँ जी, किसान आंदोलन में, हाँ ये वो लोग हैं, सारे गोलियों से मारे गए, बीजेपी सरकार में मारे गए, जाट आंदोलन, हाँ जाट में, और जो हमारी बहन बेटियां सड़क पर घेंच घेंच कर, कोई बीजेपी का सांसद या एमएलए बोला? और विकास नाम की तो चीज ही नहीं, किसी महकमे में कर्मचारी नहीं, कोई भी बिजली बोर्ड है कोई कर्मचारी नहीं, एसडीएम में है ऑफिस, इसमें सारे वो बैठे डी ग्रुप वाले, एक भी कर्मचारी नहीं, वीडियो ब्लॉक में वीडियो नहीं है, स्कूल में कॉलेज में अध्यापक नहीं है, विकास नाम की तो जीरो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने अभी चुनाव से पहले अपना सीएम चेहरा, सीएम जो थे हरियाणा के, उनको बदला था, इसलिए कि एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी और किसानों की जो नाराजगी है उसको हम चुनाव के दौरान एड्रेस कर पाएंगे कि देखिए हमने आपको जिससे नाराजगी थी हमने तो उसको बदल दिया, तो इससे कुछ बदला है? ना, इससे कुछ नहीं बदला, मान लो पार्टी तो उनको नहीं बदली है, वो मुर्गो थो वो इन मुर्गो दर दियो, इन मुर्गो थो इन मुर्गो दर दियो कोई नहीं होता आज, कोई नहीं, कोई नहीं हो, नई पार्टी आई हो, नयो चेहरो तो उनका है चेहरा, उनकी बात। लेकिन आप लोग की किसानों की क्या मांग है, अभी जो आप कह रहे थे कि ये जाट आंदोलन के दौरान मारे गए लोग, क्या जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई 10 साल गवर्नमेंट में, तो इन सब मामलों को उन लोगों ने सुना नहीं, एड्रेस नहीं किया, जो जाट आंदोलन का इतना बड़ा मुद्दा बना था, इतना बड़ा आंदोलन था वो, उसके बाद भी ये लोग सुनवाई नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और आप लोग की मांग जो जाट आंदोलन वाली थी, तो ये मांग तो थी लेकिन मांग की कोई ठुकरा घाट कर दी, कोई मांग कुछ नहीं मानी, तो इसकी नाराजगी पिछले 10 सालों में तो नहीं देखी गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ठीक ठाक सीटें निकाली हैं उन्होंने, और अभी 2 बार उनकी गवर्नमेंट में बनी है, क्या इस बार बदल? हमारी तो नाराजगी जो है ना एमपी के इलेक्शन में भी यहाँ से बाटड़ा से 27-28 हजार से आ रहा था कैंडिडेट बीजेपी है, और जो है ना हम बाहर का कैंडिडेट कोई आवेगा तो उसको वोट नहीं देंगे।
तो जाट आंदोलन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या मांग थी, कुछ है? जाटों ने अपने आरक्षण के लिए मांग की थी, भाई जैसे हर जाति को आरक्षण मिलता है इसी तरह जाट को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग थी, लेकिन सरकार ने ठुकरा दी। उसमें हमारे इतने जवान बच्चे शहीद हुए हैं, ये आपके सामने है, ये जाट आंदोलन में मारे गए। हाँ, जाट आंदोलन में, लेकिन इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया, बीजेपी ने। तो क्या चौटाला परिवार की जो पार्टियां हैं उनमें से कोई नहीं है इधर? चौटाला की पार्टी है उनके आपसी घर की फूट के कारण वो खत्म होगी, खत्म हो गई चौटाला पार्टी, यही कारण है चौटाला पार्टी का। तो अब अरे वोटर मतलब इतना समझदार हो रहा है कि अपने वोट को खराब नहीं करेगा, हाँ खराब नहीं करना चाहता, इसलिए विकल्प यही है कि कांग्रेस को जिताओ और बीजेपी को हटाओ, हमारी तो यही पब्लिक की सभी की। अगर कांग्रेस जीतती है तो किसको सीएम के रूप में देखते हैं? कांग्रेस जीतती है सीएम तो वो पार्टी तय करेगी। अब मैं कह दूँ गुड्डन बना दो, सैलजन बना दो, सुरजेवाला बना दो, हमारे कहने से वो सीएम नहीं बनेगा। हमारा तो मतलब ये है कि भाई बीजेपी को बदलो और कांग्रेस को लाओ और कांग्रेस के मतलब किसी को बनाओ, हमारा यही मकसद है हमारे हल्के का, लोगों का। इन दिनों हरियाणा में ज़्यादातर गौकसी का मामला बहुत सामने आ रहा है, 3-4 इंसिडेंट पिछले 5-6 महीने में हो गए, क्या मतलब क्या है? नहीं देखो वो मामला कोर्ट में जा चुका है, जो कुछ हुआ था वो, अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। खो ये योजना है ना, 4 वर्ष वाली जो भर्ती वाली बनाई है, निराधार इन नौजवानों के, हमारे नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। ये तो ये मतलब इन नौजवानों के साथ इतनी खिलवाड़ किया है कि 4 साल की कोई नौकरी है क्या? तो क्या इस बार के चुनाव में जाट एकजुट नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल एकजुट हैं, मजबूरी है हमारी इस बार, मजबूरी फंस गई आप? हाँ मजबूरी है, मजबूरी ये है कि बीजेपी को दूर जटाओ और यानी कि कांग्रेस को लाओ। तो बीजेपी ने एक और चीज़ किया, जब खट्टर को हटाया तो उन्होंने सैनी को लिया कि ओबीसी जो वोट बैंक है, ओबीसी एक बड़ा तबका है, वो अगर जाट एकजुट होता है कांग्रेस के साइड जाता है तो हमारे साथ ओबीसी चेहरा डालेंगे तो ओबीसी एकजुट हो सकता है जिससे हम काउंटर कर सकते हैं जाट वोटरों को, तो वो हमारे लिए इम्पैक्टफुल कितना ये काम करेगा उनका सैनिक? देखो जी हम तो ये कहेंगे कि एक ही थैली के चट्टी बट्टे हैं, बीजेपी के हैं एक ही थैली के चट्टी बट्टे हैं, चाहे किसी को भी लिया हो ये, चाहे खुद मोदी को मुख्यमंत्री बना दो या, लेकिन बीजेपी को हरियाणा के अंदर जहाँ तक हमारा विचार है कोई जगह नहीं है, किसी को भी बना दो। पिछले दिनों महिला पहलवान दिनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उन्हें टिकट भी मिला है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो जो दिनेश फोगाट के साथ पहलवानों महिला पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पर किया गया प्रोटेस्ट हुआ, सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी, फिर से WFI का चीफ ब्रिजभूषण शरद सिंह के करीबी को बनाया गया, तो इससे क्या यहाँ नाराजगी है लोगों में? इतनी ज़्यादा नाराजगी है, हम खुद शरीक होने वाले हैं जहाँ जंतर मंतर पर हमारी बेटिया पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रही थी। आप गए थे वहाँ पे? हाँ हम गए थे, मैं गया था, हमारे प्रधान जी गए थे। अच्छा। और एक वो महेंद्र सिंह गया था और करतार गया था, हम 4 आदमी वहाँ से हमने उनके साथ आंदोलन में उनमें शामिल हुए और इंडिया गेट तक गए, वहाँ पर उनको घसीटा गया, हम भी उसमें शरीक थे, तो इससे इतनी नाराजगी है। वो भी तो किसानों की बेटी हैं, हम किसान हैं, उनके साथ इतनी जाति हुई है, और ब्रजभूषण को तो अगर दूसरी और कोई सरकार होती तो हम ये कहते हैं कि उनको उसकी सजा होती अब से पहले, अब तो लेकिन बीजेपी ने कोर्ट में जा लिया मामला, लेकिन बीजेपी ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, न उनका इस्तीफा लिया और उसको उतनी ही फैसिलिटी दी जितनी जो कि एक सही आदमी के साथ जो मिलती है, मंत्री को मिलती है।